हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक एम अकेडमी एंड ऑल यू आर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट आई थिंक। ठीक है, तो जिस घड़ी का तुम्हें इंतजार था वो यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जेम के लिए, तो जेम 2023 का यानी कि जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स जो होता है 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो है आईआईटी गुवाहाटी। किसी न किसी आईआईटी को हर बार ये जिम्मेदारी मिलती है इस पेपर को कंडक्ट कराने की, तो इस बार ये जिम्मेदारी मिली है किसको? आईआईटी गुवाहाटी को। ठीक हो गया, तो आईआईटी गुवाहाटी ने यहाँ पे लिखा है कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, जेम 2013 ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस सिस्टम विल अवेलेबल फ्रॉम सितंबर 7। यानी कि जो जेम का एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा? सितंबर। देखिए, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है सितंबर 7 से स्टार्ट होके अक्टूबर 11 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जेम का एग्जाम होगा 12 फरवरी को, संडे के दिन। ठीक है, रिजल्ट आएगा 22 मार्च को 2023 में, और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 11 से लेके 25 अप्रैल के बीच में। टेस्ट होगा जिसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इन सब सब्जेक्ट के लिए टेस्ट कराया जाएगा। फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू, एमएसक्यू, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। कैंडिडेट एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और लगभग 3000 सीटें हैं वेरियस पोस्ट ग्रैम प्रोजेक्ट एट आईआईटीज। आईआईटीज में लगभग 3000 पोस्ट हैं, और इसके साथ ही साथ 30 सीएफटीआईज इंक्लूडिंग एनआईटीज, आईएससी, डीआईटी, आईजेड, आईजर, आईएपी, जेएनसीएआरएस, एसएलआईईटी, ओवर 23,000 सीट इन सारे इंस्टीट्यूट में है, तो सबके लिए जेम का स्कोर वैलिड है। तो टेस्ट का शेड्यूल अगर देखें तो ये तो है होम पेज। एग्जामिनेशन में देखें, टेस्ट शेड्यूल के बारे में बात करें तो टेस्ट शेड्यूल में 12 तारीख को है, दो सेक्शन में। देखिए, फोरनून और आफ्टरनून। तो फोरनून में क्या है, आप केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स के लिए पेपर देंगे, और आफ्टरनून में फिजिक्स के लिए। तो कोई बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा मैथ्स और फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहता है कर सकता है, पर केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। पैटर्न समझा चुका हूँ, पैटर्न 3 पार्ट आते हैं, ये आपने बहुत बार समझा होगा। एप्लीकेशन फी पे आते हैं, कितने पैसे देने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। एक टेस्ट पेपर अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भरना है तो 900 रुपये फीस है। ठीक है, दो पेपर करने हैं तो आसान है, 1250 रुपये पे करने हैं टोटल। ठीक है, दोनों के, और बाकी जो अदर कैंडिडेट है उनको 1800 रुपये सिंगल पेपर के पे करने हैं। जैसे कोई केमिस्ट्री से भर रहा है तो 1800 रुपये, फिजिक्स से भर रहा है तो 1800 रुपये, बाकी दो अगर भर रहा है तो कितने 2500 रुपये पे करना पड़ेगा। टेस्ट किसके लिए है, देखो, बायोटेक, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स स्टेट, फिजिक्स। खोलो फिजिक्स के लिए, सिलेबस दिया है, क्वेश्चन पेपर 2020, 2021, 2022 आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन पेपर 2022 में क्लिक करना है ना, तो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है जेम फिजिक्स का खुल के आ जाएगा। ठीक हो गया, जेम फिजिक्स 2022 का क्वेश्चन पेपर खुल के आ जाएगा क्लिक करते ही। 2020 का चाहिए, 2020 का आ जाएगा। 21 का चाहिए, इसका 21 का आ जाएगा। सिलेबस देखते हैं, ठीक है, खोलना सिलेबस को, सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, फिजिक्स की बता रहा हूँ। फिजिक्स में सिलेबस में कोई चेंजेस, बदलाव नहीं आए हैं। 2020, 21, 22 हर साल का सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो 2023 का सिलेबस भी वही है जो 2022 का था। मुझे कोई भी नया टॉपिक यहाँ पे नहीं एडेड दिख रहा है। देखो, सारे टॉपिक जो है वही है जो आप पढ़ते हो प्रॉपर जैम के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ देख सकते हो। कहाँ पे जाके? एग्जामिनेशन टेस्ट पेपर में जाके। अच्छा, एडमिशन, एडमिटिंग इंस्टीट्यूट देखो कितने सारे हैं। ठीक है, मजा आएगा तुम्हें एडमिटिंग इंस्टीट्यूट देख के। आईआईटीज तो है ही, ठीक है, आईआईटी भिलाई, सारी आईआईटीज है। देखो, ये लगभग जितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आईआईटीज है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 आईआईटीज आपको एडमिशन दे रही है इसके स्कोर कार्ड के हिसाब से। फिर अच्छा जी, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए जेएम के बच्चों को। तो एलिजिबिलिटी में है कि भैया कैंडिडेट शुड हैव पास द अंडर ग्रेजुएट डिग्री। कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, वो अपने अपने इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूट के लिए भी यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है। अच्छा, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू प्रूव दैट द सर्टिफाइड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
कोई भी स्टूडेंट जिसने बीएससी पास किया है, और यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एन अंडर ग्रेजुएट और शुड करेंटली स्टडिंग इन देयर फाइनल ईयर, है ना, प्रूफ ऑफ द हैविंग पास द अंडर ग्रेजुएट डिग्री शुड बी सबमिटेड बाय सेप्टेम्बर 30। यानी कि जो थर्ड ईयर वाले हैं उनका 30 सितंबर तक जो है पास हो जाना चाहिए, जो फाइनल ईयर के अभी छात्र है। ठीक हो गया भाई। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, मतलब 2023 के बारे में बात करें, इस साल के नहीं 2023 के बारे में। एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकता है, आई एम ए फॉरेन नेशन एंड एम आई एलिजिबल फॉर दिस, यस है ना, आप एप्लीकेबल है। कॉन्टैक्ट, कोई डाउट है मन में तो ये कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दी है अलग अलग इंस्टीट्यूट की, जहाँ से आप फी कितनी होगी क्या होगी सब कुछ पता कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी। ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री फिजिक्स का फुल लेंथ सिलेबस डाल दिया है अपने यूट्यूब पे, तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ इस रेवोल्यूशन के साथ।